फोर्थ क्वेश्चन इज ऑन डिवाइडिंग एक्स क्यूब माइनस थ्री स्क्वायर प्लस प्लस टू बाई अ पॉलिनोम जी एक्स द क्वेश्चन वर एक्स माइनस टू एंड माइनस टू एक्स प्लस फोर रेस्पेक्टिवली अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है दैट इज एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स प्लस टू उसे जब हम एक गिवन पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं उस का हमें हमें पता नहीं हमने जिससे डिवाइड करा है वो ही हमें है एक्चुअली फाइंड करना तो हमारा आ जाता है x 2, है एंड रिमाइंडर आता हमारा डिविजन है, हुआ हैल्टीप्लाइड प्लस रिमाइंडर डिविडेंट यहाँ पे हमारे पास है एक्स क्यूब थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू इज इक्वल्स टू जी एक्स यानी कि डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय माइनस टू प्लस जो हमारा अब रिमाइंडर आएगा वो है यहाँ पे है ब्रैकेट माइनस टू एक्स प्लस फोर इसके बाद हम रिमाइंडर को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देंगे और रिमाइंडर को लेफ्ट साइड शिफ्ट करने से हमारी इक्वेशन हो जाएगी कुछ इस तरह से एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू प्लस टू एक्स माइनस फोर So, अब हम इसे करेंगे, तो वो आएगा एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्स एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जी एक्स मल्टीप्लाइड स्टेप में एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू यानी कि हम जी एक्स तब फाइंड आउट कर सकते हैं जब हम इस गिवन पॉलिनोम को एक्स माइनस टू से डिवाइड करें सो so, डिवीजन के लिए सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं उस लाइन को ड्रॉ करने के बाद हम अब लिखते हैं अपना डिविडेंट जो कि हमारा यहाँ पे होगा एक्स क्यूब माइनस थ्री स्क्वायर प्लस थ्री माइनस टू और इस केस में हमारा डिवाइजर होगा जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो होगा x माइनस टू अब वही अपना प्रोसेस यूज करेंगे सबसे पहले डिविडेंट की हाइएस्ट पावर वाली टर्म को पिक करेंगे वो यहाँ पे है एक्स क्यूब और डिवाइजर वाली हाइएस्ट पावर वाली टर्म से डिवाइड कर देंगे दैट इज एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर सो एक्स स्क्वायर हमारे क्वेश्चन का पहला पार्ट होगा और अब इस एक्स स्क्वायर से डिवाइजर की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर और जब हम इसे सॉल्व करेंगे साइंस इंटरचेंज करके तो हमें मिलेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू इसके बाद जो नई इक्वेशन हमारे पास आई है दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू इस इक्वेशन में माइनस एक्स स्क्वायर को हम एक्स से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा माइनस एक्स माइनस एक्स हमारा क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट हो गया माइनस एक्स की मल्टीप्लाई अब हम कर देंगे एक्स माइनस टू में तो हमें मिलेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स इसके बाद जब हम इनके साइंस इंटरचेंज करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा सबसे पहले हमारा माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और थ्री एक्स माइनस टू एक्स हमारा आ जाएगा एक्स और माइनस टू एज इट इज नीचे आ जाएगा इसके बाद वी कैन क्लियरली सी कि हमें प्लस वन की मल्टीप्लाई करनी होगी सो हम डायरेक्टली इस बार अपना क्वेश्चन लिख लेंगे प्लस वन और जब हम एक्स माइनस टू की मल्टीप्लाई प्लस वन में करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स माइनस टू सो एक्स माइनस टू माइनस एक्स माइनस टू हो जाएगा एक तरह से ज़ीरो सो so, हमारा रिमाइंडर आ चुका है अब ज़ीरो तो जो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आया वही तो हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था जो कि आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन और ये ही हमारा जी एक्स था